कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे उन लोग के लिए? एक तो ये ट्वेंटी मीटर पर सेकंड से अपवर्ड हो ये दो क्वेश्चन डाल के वीडियो ऑन कर लीजिए। देखिए लास्ट में होमवर्क दिया था कि एक पार्टिकल है जिसको आपने 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर थ्रो किया। अगर मैं यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g फोर सेकंड, ठीक है। मैक्सिमम हाइट ये हमने निकाल चुका था। यहां पे आपसे कहा गया था डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बना। आगे मैं सबसे पहले एक्स के ग्राफ के बारे में बात करूं। एक्सीलरेशन क्या है आपका? माइनस जी। अगर माइनस होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला। और ये मैक्सिमम हाइट आ रही थी 20 is equal to 2 seconds और ये 4 seconds, यही था ना? Yes. लेकिन मेरे को डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता है, ठीक। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जहां पे ग्राफ चेंज हो रहा हो, यहां से ग्राफ देखिए नीचे जा रहा है, ठीक है। इसी का क्या लेंगे? मिरर इमेज। क्लियर है, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका बन जाएगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये बात
ठीक है, ये ग्रीन वाला आपका एस टी ग्राफ था, ये येलो वाला आपका क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्लियर है? और कौन सा क्वेश्चन था? रिकॉल इसी को ओरिजिन मानेंगे, ठीक है। अगर मैं यहां से अगर 10 मीटर पर सेकंड से करूं तो ये कितनी हाइट तक जाएगा? यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि ये 5 मीटर और ऊपर जाएगा, उसके बाद घूम के वापस आ जाएगा ग्राउंड, ठीक है। जिसका ग्राफ आपने एक्स टी बनाया था, ओरिजिन से 5 तक गया फिर वापस -15 पे आया, क्लियर। इसके बाद आपसे क्या बोला गया था, डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस बनाना है तो यहां से देखिए ग्राफ आपका चेंज हो रहा है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, मिरर इमेज। यस, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, अब हम लोग आते हैं ग्राफ कन्वर्जन। ये एक्सटी ग्राफ है, यहां से आपको क्या पता चल रहा है, पार्टिकल की पोजीशन कांस्टेंट है, ठीक है। यस यस सर, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है पार्टिकल, ठीक है। तो मतलब कि पार्टिकल रेस्ट पे है, पार्टिकल रेस्ट पे होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। वेलोसिटी जीरो होगी तो एक्सीलरेशन भी कितना होगा, जीरो। ठीक है, नोट कीजिए, नोट कीजिए, अभी ग्राफ कन्वर्जन से क्वेश्चन करवाऊंगा।
XT ग्राफ का स्लोप मेरे को क्या देता है, वेलोसिटी। तो यहां पे अगर मैं स्लोप देखूं तो स्लोप तो कांस्टेंट है, अगर स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो ग्राफ कैसे बनेगा, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो। अगर ऐसा होता तो स्लोप नेगेटिव, मतलब कि वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो। क्लियर है यहां तक? ठीक है। नोट कर लिया। अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला होगा इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो आपने एक्सेलरेशन और कांस्टेंट। बीटी ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोप के साथ, कहां से पास होगा, ओरिजिन से। क्यों, क्योंकि क्योंकि t is equal to 0 पे वो रेस्ट, मतलब कैसे रेस्ट पे है, xt ग्राफ में स्लोप वेलोसिटी देता है। इनिशियल पॉइंट पे स्लोप देखें, इनिशियल पॉइंट पे स्लोप कैसा है, ये होगा ना, ठीक। इसका मतलब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, मतलब कि पार्टिकल कहां से स्टार्ट होगा, रेस्ट से। अरे क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप मेरे को एक्सेलरेशन देता है, और वीटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है तभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसका क्या होगा, उसका स्लोप ज्यादा होगा, मतलब कि इधर इनिशियल स्लोप आपका जीरो नहीं है, लेकिन इस वाले ग्राफ में क्या था, इनिशियल स्लोप जीरो था। अगर इनिशियल स्लोप जीरो नहीं है इसका मतलब स्लोप तो ऐसे होगा, इनिशियल स्लोप को देखिए ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करके, यहां पे स्लोप नॉट इक्वल टू जीरो, तो इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो, स्लोप पॉजिटिव है तो इनिशियल वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, मतलब कि पार्टिकल किसी इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है। क्लियर है आर्यन, चलिए क्वेश्चन कीजिए।
draw xt and at graph. Draw xt and at graph. जल्दी से ट्राई कीजिए, बिल्कुल सिंपल है. जल्दी, बहुत सिंपल है. अभी सभी क्वेश्चन आप ही से करवाऊंगा मैं. तुषार वीडियो ऑन कीजिए. चलिए एच टी ग्राफ दिखाइए, कैमरे के सामने रखिए कॉपी. आर्यन हो गया? कौन सा है, नहीं दिखाई दे रहा? अच्छा ये वाला. नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ है. अनुष्का दिखाइए आपने क्या बनाया. गायत्री आपने क्या बनाया?
कौन सा एक्स टी ग्राफ? ये कुछ हद तक सही नजर आ रहा है लेकिन बीच में गड़बड़ लग रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन कैसी है? नहीं फिर गड़बड़ है। देखो बेसिक से कीजिए ना, फिर से आखिरी वाला गड़बड़ कर दिया। सेम चीज उन्होंने किया आर्यन ने, स्टार्टिंग वाले दो टाइम वाले सही हैं, लेकिन आखिरी वाला पार्ट गड़बड़ कर दिया। हमें डिस्टेंस का बनाने की डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन टाइम ग्राफ पूछ रहा हूं। अच्छा स्लोप चेंज नहीं होना चाहिए। अब सही है। अब देखिए वीटी ग्राफ हमें क्या देता है? एरिया क्या देता है? वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं, पहले वाले एरिया को देखूं, तो ये पॉजिटिव है, ये वाला एरिया भी क्या है? पॉजिटिव। और ये भी एरिया क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। मतलब कि पोजीशन हमेशा इंक्रीज होती रही, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाऊं, वीटी ग्राफ का एरिया, वीटी ग्राफ का अगर मैं देखूं, ये स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्सीलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। एक्सीलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सटी ग्राफ कैसा बनेगा? अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, यहां पे वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब एक्सटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसका स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। अब यहां पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव है। एक्सीलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब डाउनवर्ड पैराबोला। लास्ट टाइम पे एक पॉइंट मैंने बताया था डाउनवर्ड पैराबोला, तो ये है, तो ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, लेकिन मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये वाला पार्ट होगा कि ये वाला पार्ट होगा। पोजीशन हमेशा इंक्रीज हो रही है ना, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, मतलब कि पोजीशन इंक्रीज होती रहेगी, तो कौन सा होगा? ये कुछ ऐसा, ठीक है, क्लियर है?
फ्रॉम एक्स की ग्राफ सर नहीं गलत है हमें पोजीशन टाइम बनाना है हाँ एक्स टी ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बनाइए सेम नहीं थोड़ा गड़बड़ है ध्यान देखिए वेलोसिटी जीरो हो रही है बीच में वेलोसिटी जीरो हो रही है इसका मतलब कंप्लीट पैराबोला आर्यन हो गया हाँ आप करेक्ट है वेलोसिटी जीरो है सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब कि एक्स की ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होगा और पॉजिटिव होगा तो स्ट्रेट लाइन उसके बाद स्लोप नेगेटिव है स्लोप नेगेटिव है इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला अब डाउनवर्ड पैराबोला कंप्लीट पैराबोला कब बनेगा मैंने बताया था कि कहीं पर अगर वेलोसिटी जीरो हो रही है तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी जीरो हो रही है तो पैराबोला ऐसा बनेगा आगे समझ में अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछता तो मैं यहां पे क्या कर देता मिरर इमेज ले लेता ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाता क्लियर है नोट कर लिया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन Find acceleration at x is equal to 1. Find acceleration at x is equal to 1 meter. चलिए जल्दी से v और x के बीच में दिया हुआ है
सही से निकालिए बी और एक्स के पहले रिलेशन निकालिए फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ऐसे नहीं आएगा सर। 10 10 आ रहा है, चेक करना पड़ेगा, आंसर नहीं है मेरे पास। अब देखिए ऐसे स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने पढ़ा था, हमें अगर डायरेक्ट इक्वेशन लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू माइनस 5/2 आ रहा, सॉरी माइनस आ रहा है। ठीक है देखते हैं, तो मैं क्या करूंगा, v अपॉन 10 माइनस 5/2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv ओवर dx, क्योंकि मेरे को यहाँ पे किसके बीच में रिलेशन पता है, v और x के बीच में, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 10 dv ओवर dx प्लस 1 अपॉन 4 x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन 4 माइनस ये माइनस 10/4 ठीक है, माइनस 25। अब v dv अपॉन dx, v की वैल्यू यहां से निकालिए, यहां पे पुट कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस x बाय 4 इनटू 10 और माइनस 10/4। हमे को किस पोजीशन पे पूछा गया है, x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 इधर पुट कर दीजिए, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, करके देख लीजिए फाइनल आंसर क्या है। dv ऊपर dx वैसे हम तो निकाल सकते थे, जैसे स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1 होता है अपॉन x2 माइनस x1, कैसे भी निकल दोनों से सेम आएगा। हो गया, नोट कर लिया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। x is equal to 0 पे इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड, फाइंड वेलोसिटी एट x is equal to 4 मीटर।
कितना है आर्यन? मेरा तो सर रूट में आ रहा है। हाँ रूट में बताइए, सही हो सकता है। रूट 24 आ रहा है। रूट 28 आंसर है। देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या? रूट 28 आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ए और एक्स के बीच में दिया हुआ रिलेशन। तो a इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, v dv अपॉन dx। तो v dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a dx। a dx का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एरिया अंडर द कर्व। है ना, थोड़ा सा मैथ लगाइए। एक्सीलरेशन और x का एरिया निकालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, v dv। बस अब आ जाएगा आंसर, निकालिए सिंपल सा। हो जाएगा कि कर सॉल्व करूं? आ गया रूट 28 आ जाएगा। बी डी वी इज इक्वल टू ए डी एक्स। ADX का मतलब क्या है, एरिया। एरिया की वैल्यू रख दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है 2 और फाइनल वेलोसिटी आपको निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो B की वैल्यू आ रही है 228 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है?
चलिए एक और क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन कीजिए। ड्रॉ एक्स टी ग्राफ और सभी वैल्यू कैलकुलेट करके निकालिएगा किस टाइम पे किस पोजीशन पे था, सभी चीजें चाहिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हर एक टाइम पे आपको पोजीशन निकालना है और ग्राफ तो बहुत इजी है, अभी 2-3 क्वेश्चन किए हैं आप लोगों ने। आर्यन दिखाइए कैसे बना ग्राफ, नहीं हुआ क्यों, कैसे बनाया ग्राफ? गायत्री
नहीं होगा क्या? नहीं, स्टार्टिंग सही किया है। एक ये वाला क्वेश्चन कीजिए और एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ जो इंजीनियरिंग में पूछा गया था। दोनों क्वेश्चन कीजिए, मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ आप लोग ग्राफ के क्वेश्चन कर सकते हैं। हिंट देने से काम बनेगा? चलिए 20 सेकंड रुक जाता हूं, उसके बाद हिंट देता हूं। दिखाइए। नहीं, गड़बड़ गड़बड़। आप देखिए, हिंट दे रहा हूं, अगर मैं पहले वाले एरिया निकालूं तो -5 आ रहा है, और दूसरा वाला एरिया निकालता हूं 1 से लेकर 2 सेकंड तक तो कितना आ रहा है? +5, है ना। अगर मैं वीटी ग्राफ को देखूं तो 0 से लेकर 2 सेकंड तक स्लोप आपका कैसा है? पॉजिटिव है। इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, और बीच में वेलोसिटी 0 भी हो रही है। इसका मतलब कंप्लीट पैराबोला बनेगा, और कैसा बनेगा? अपवर्ड पैराबोला। लेकिन बस ये ध्यान में रखना है कि पार्टिकल 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 1 सेकंड पे कहां पहुंच गया? -5 पे पहुंचा है। एरिया माइनस है, 1 सेकंड पे पार्टिकल कहां पहुंच गया? -5 पे। बेसिक को मत भूलिए। और 2 सेकंड पे कहां पहुंच गया पार्टिकल? फिर से उसी पोजीशन पे पहुंच गया, क्योंकि ये एरिया +5, ये एरिया -5, दोनों को ऐड करूंगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा? 0, मतलब कि पार्टिकल सेम पोजीशन पे वापस पहुंच गया। अब तो हो जाना चाहिए, बस यही था। तनुष्का, जो आपने ऊपर बनाया है वो थोड़ा नेगेटिव आएगा, बस देखिए, ये एरिया -5, ये एरिया +5, ये एरिया कितना आ रहा है? 2 × 10 = 20, और ये एरिया कितना आ रहा है? 5। ठीक ठीक तो पार्टिकल स्टार्टिंग पे कहां पे है? ओरिजिन पे। और 1 सेकंड पे कहां पहुंच गया? -5 पे। उसके बाद 2 सेकंड पे कहां पहुंच गया? -5 + 5, फिर से वापस 0 पे आ गया। फिर 4 सेकंड पे कहां पे पहुंच गया? 0 से +20 + 20 पे पहुंच गया। फिर 5 सेकंड पे कहां पहुंच गया? 20 + 5 = 25 पे पहुंच गया। तो देखिए ग्राफ कैसा बनेगा। अपवर्ड पैराबोला, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है,
मतलब कि स्लोप पॉजिटिव है एक्स टी ग्राफ का, ठीक। उसके बाद एक्सीलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब डाउनवर्ड पैराबोला, लेकिन पार्टिकल पहुंचा था 20 पे प्लस 5 किया तो 25 पे पहुंच गया, खत्म। ये कितना है, उसके बाद ये कितना है और ये कितना है 25। क्लियर है? अच्छा तो क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पार्टिकल को ये जेई में पूछा गया था, ये डिस्टेंस डी है, एक पार्टिकल को आपने यहां से ड्रॉप किया डी डिस्टेंस से, ठीक है, ये ग्राउंड से टकराया और टकराने के बाद कितनी हाइट तक गया, आफ्टर कोलिजन इट राइजेस अप टू डी बाई टू, हाफ डिस्टेंस तक पहुंचा है, ठीक है। तो आपको यहां पे ड्रॉ करना है, मैंने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये हाइट एच मान ली, ठीक। तो आपको यहां पे ड्रॉ करना है वेलोसिटी और एच के बीच में ग्राफ। वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा ना, एच हाइट इतनी है तो यहां पे वेलोसिटी कुछ और होगी, अगर इतनी हाइट होगी तो यहां पे वेलोसिटी कुछ और होगी, तो आपको ये बताना है। ये इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, देखा होगा। ये ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है, कल और परसों हम लोग असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक रह गया है रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, वो 15-20 मिनट में हो जाएगा, इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करना है।
सॉल्यूशन को याद करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप सॉल्यूशन को याद करने की कोशिश करेंगे कैसे ग्राफ बना था वो आपके फिगर को देख के पता चलता। अब ट्राई नहीं कर रहे क्वेश्चन को, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए कि आपके सामने क्वेश्चन है कैसे करें। हिंट देता हूं, देखिए ग्राफ को कैसे सोचा जाता है। सबसे पहले आपको V और H के बीच में ग्राफ बनाना है, ठीक। अगर मैं पार्टिकल को ड्रॉप कर रहा हूं तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, ठीक है। S की वैल्यू क्या है, H, ऐसे मान लो, ठीक है। F क्या है, H है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ। तो मतलब कि जो v स्क्वायर और राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, s आ रहा है। तो जो v और h के बीच में रिलेशन है वो कैसा हुआ, पैराबोला, क्योंकि v स्क्वायर आ रहा और दूसरी तरफ h आ रहा है, ठीक। तो वेलोसिटी और s के बीच में कैसा रिलेशन हुआ, पैराबोला। फर्स्ट पॉइंट तो ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब यहां पे हमसे वेलोसिटी के बारे में पूछा गया, तो वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। पहले ऊपर से नीचे आ रहा है पार्टिकल, अगर पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है ना। और उसके बाद टकराने के बाद पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो मतलब कि फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक। अब ये तो सेकंड पॉइंट हो गया कि मेरे को ये पता चला कि पहला रिलेशन पैराबोला है और एक पता चला कि जो ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक पॉजिटिव मिलेगा वेलोसिटी, और जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी मेरे को, सॉरी, ऊपर से नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव मिलेगी और नीचे से ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव मिलेगी। अब दूसरा पॉइंट हम लोग ये सोचेंगे कि वेलोसिटी जीरो कहाँ कहाँ पे है, एक तो जब मैक्सिमम हाइट पे है, जब ड्रॉप किया है तब वेलोसिटी जीरो है, उसके बाद जब टकरा के फिर से जब d बाई टू पोजिशन पे पहुंच गया तब वेलोसिटी जीरो है। अब कीजिए, अब तो पूरा आंसर हो गया, मैंने वर्डिंग में बता दिया, इसको बस ग्राफ में बनाना है। नहीं हुआ,
आर्यन बना अनुष्का बना मैं तो पूरा क्वेश्चन बता दिया ठीक ये आया समझ में देखिए जो चीज बोली वही किया मैंने जब हाइट डी है तो वेलोसिटी कितनी है जीरो अब जब पार्टिकल नीचे टकरा रहा है तो एच की वैल्यू कितनी हो गई जीरो हो गई ना एच मैंने ग्राउंड से मेजर किया जब पार्टिकल ऊपर से नीचे टकराएगा तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो पार्टिकल को ड्रॉप किया था जब पार्टिकल ड्रॉप करता हूं तो वेलोसिटी कितनी होती है अंडर रूट टू जी एच ठीक है तो मैंने पार्टिकल को कितना हाइट से ड्रॉप किया था डी हाइट से जब पार्टिकल जब टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अंडर रूट टू जी डी लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे है तो मतलब कि नेगेटिव है आया समझ में अब सेकेंड पार्टिकल कितनी हाइट तक पहुंच गया डी बाई टू जब पार्टिकल इस हाइट पे होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी जीरो तो मैंने कहा कि डी बाई टू पे है तो वेलोसिटी कितनी है जीरो अब जब ये टकरा रहा होगा इसकी वेलोसिटी कितनी होगी टू जी डी बाई टू टू जी डी बाई टू ठीक है जब डी बाई टू से आएगा लेकिन टकराने के बाद तो ये ऊपर जा रहा है ना इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए ना ऊपर जाने के लिए उल्टा सोचिए थोड़ा अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे इसकी वेलोसिटी कितनी है अंडर रूट टू जी डी बाई टू तो अगर इसको इतनी हाइट तक पहुंचना है तो मैं कहूंगा कि इसके ऊपर में वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए अंडर रूट टू जी डी बाई टू तो जब h इज इक्वल टू जीरो होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी पॉजिटिव और जब h की वैल्यू d बाई टू हो जाएगी तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जीरो नहीं आया आर्यन नहीं आया कहां पे नहीं आया बताइए किस पोजीशन पे कौन सा पॉइंट है जो नहीं समझ में आया तो कुलेशन के बाद वाला जो बताया मैंने कहा कि पार्टिकल को मैं यहां से ड्रॉप करूं तो यहां पे जब आएगी वेलोसिटी कितनी होगी ए हो गया अब मैंने कहा कि पार्टिकल को एच हाइट तक पहुंचना है तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए एच हाइट तक पहुंचने के लिए यही होनी चाहिए ना तभी तो उतनी हाइट पे पहुंचेगा अब आए सुन में तो ये वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव है ना अपवर्ड डायरेक्शन है और एच की वैल्यू कितनी है यहां पे जीरो एच तो ग्राउंड से मेजर कर रहे हैं ना तो मैंने यही कहा कि जब h इज इक्वल टू जीरो है तो वेलोसिटी कितनी है टू जी डी बाई टू और जब पार्टिकल h हाइट पे पहुंच गया मतलब कि डी बाई टू पे पहुंच गया तब इसकी वेलोसिटी कितनी है जीरो अब पैरा बोला है दोनों के बीच में रिलेशन अभी भी नहीं आया नोट कर लीजिए आया इसलिए रटी हमारे क्वेश्चन को समझिए हो गया आशुतोष नहीं आया समझ ठीक है नोट कर एक्सप्लेन करके लिखिएगा
सिंपल ग्राफ मत नोट कीजिए, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कॉपी में कि क्यों हो रहा है ऐसा और क्यों नहीं हो रहा। बिना एक्सप्लेनेशन के क्या फायदा? ये ग्राफ तो आपको ऐसे ही गूगल में सर्च मारने के मिल जाएगा कि ये है ग्राफ। एक्सप्लेन कीजिए क्यों है ग्राफ ये। वही उसी को समझा रहा नोट कर लिया। देखिए कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। अब रिलेटिव मोशन का मतलब क्या हुआ कि हम लोग किसी भी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या होता है। रेफरेंस फ्रेम का मतलब होता है ऑब्जर्वर, सिंपल। ठीक है, कि जहां पे भी ऑब्जर्वर बैठा हुआ है वो रेफरेंस फ्रेम है कि मैं किसके रेस्पेक्ट में एनालिसिस कर रहा हूं। ठीक, तो आपको ऑब्जर्वर है। और एक चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग किसी के रेस्पेक्ट में एनालिसिस करते हैं तो उसको हम लोग हमेशा रेस्ट पे मानते हैं। ठीक है, अगर मैं किसी भी चीज को देख रहा हूं तो मैं खुद को क्या मानूंगा? रेस्ट पे। मैं अपने रेस्पेक्ट में हर एक की एनालिसिस करना स्टार्ट करूंगा। तो ऑब्जर्वर हमेशा क्या होता है? रेस्ट पे। ठीक, अगर मैंने कहा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए इसको समझने का सिंपल तरीका क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि दो कार वाले हैं, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन क्या है, आपकी प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। ठीक, आप प्लेटफॉर्म को नहीं देख रहे। अगर बगल में कोई रेलगाड़ी स्टार्ट होती है तो आपको लगता है कि आपकी ट्रेन चली, ऐसा महसूस होता है ना। ठीक है, फिर आप दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म को देखते हैं, फिर देखते हैं नहीं, मेरी ट्रेन नहीं चली है। ठीक, वो बगल वाली ट्रेन है जो कि मूव की। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मैं अपने आप को रेस्ट पे मानता हूं। अगर ये ट्रेन मेरे बगल में ट्रेन है वो आगे जा रही है तो मेरे को क्या लगेगा कि उसके रेस्पेक्ट में मैं कहां जा रहा हूं? पीछे। तभी तो मेरे को ऐसा महसूस होता है कि मेरी मूवमेंट हो रही है। ठीक, तो यहां पे अगर मैंने लिखा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब जो बी है वो क्या है? ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर है तो ये अपने आप को क्या मानेगा? रेस्ट पे मानेगा। ठीक, और जब आप कहते हैं कि आपकी बगल वाली ट्रेन चली है तो आप एनालिसिस किसके रेस्पेक्ट में करने लग जाते हैं? बगल वाली ट्रेन के रेस्पेक्ट में।
ठीक है, अगर आप बैठे हुए हैं तो आपको लगता है कि ये ट्रेन जा रही आगे, ठीक है, लेकिन आपने एनालिसिस किसके रिस्पेक्ट में स्टार्ट कर दी, इस ट्रेन के रिस्पेक्ट में। ये ट्रेन आगे जा रही है लेकिन इसके रिस्पेक्ट में आपको क्या लगेगा, मैं पीछे जा रहा हूँ, है ना, इसको आप रेस्ट पे कर देंगे तो आपको लगेगा कि मैं पीछे जा रहा हूँ, ट्रेन तो वहीं पर है, तो आपको लगेगा कि आपकी ट्रेन मूव कर रही है, ठीक। तो ट्रेन में जब बैठकर आप लोग ऑब्जर्व करते हैं तो बगल वाले को ऑब्जर्वर मान लेते हैं, यही करते हैं आप, देखते हैं किसको है, बगल वाली ट्रेन को देखते हैं और उसके रेस्पेक्ट में आप खुद को देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। वो वाली ट्रेन आगे जा रही होगी तो आपको लगेगा कि उसके रेस्पेक्ट में मैं पीछे जा रहा हूँ, तो उसको आपने रेस्ट पे कर दिया ना, तभी तो आप पीछे जा रहे होंगे, लॉजिकली सोचिए, ठीक। तो यहां पे अगर मैंने VAB लिखा तो VAB का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B। अब थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं, मैं बगल वाले ट्रेन के रेस्पेक्ट में एनालिसिस कर रहा हूं, ये ट्रेन तो आगे जा रही थी, ठीक, लेकिन इसको रेस्ट पे करना है, आपने ये कहा ना ये ट्रेन आगे जा रही है आपके रेस्पेक्ट में, लेकिन इसने क्या कहा कि मेरे रेस्पेक्ट में ये पीछे जा रही, ठीक, इसको आपने रेस्ट पे किया। इसको रेस्ट पे कैसे करेंगे, ये मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, इसको मेरे को रेस्ट पे करना है तो -2 करना पड़ेगा ना, तभी तो +2 और -2 0 होगा, ठीक। इसलिए हम लोग यहां पे क्या लिखते हैं, VA-VB, माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि उसको मेरे को रेस्ट पे करना है, वो तो 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आगे जा रही थी, लेकिन मैंने -2 किया तभी तो वो रेस्ट पे आ गया। आ रहा है कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये है आपका रिलेटिव मोशन, ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक है जो आप लोग जानते हैं कि VAB इज इक्वल टू क्या होता है, VA-VB, और हम लोग यहाँ पे B ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पे होता है, ठीक है, इसको नोट कीजिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो भी लिखवाता हूँ, तो हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ते क्यों है वो अभी समझ में आएगा। नोट कर लिया, क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन रेफरेंस पे क्वांटिटीज which do not depend on reference frame. अब जैसे कि रेफरेंस फ्रेम के बारे में बात करें, दो कार हैं, दोनों कार मूव कर रहे हैं, ठीक, दोनों कार सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दोनों क्या होंगे, रेस्ट पे, दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो ये इस बगल वाले को देखेगा तो ये कहेगा कि इसके रेस्पेक्ट में तो मेरी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, ठीक, तो मतलब कि मैं इसके रेस्पेक्ट में क्या हूँ, रेस्ट पे हूँ। ये वाला अगर इसको देखेगा तो कहेगा कि मेरी पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में तो चेंज नहीं हो रही है, तो मैं इसके रेस्पेक्ट में क्या हूँ, रेस्ट पे, क्योंकि दोनों साथ में है, पैरेलल चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ग्राउंड पे खड़ा है, मैं तो ग्राउंड पे खड़ा हूं, मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, मैं देख रहा हूं ये तो मेरे रेस्पेक्ट में दूर जा रहे हैं, ठीक है, तो देखिए मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज किया। अगर एक ड्राइवर अपने पैरेलल ड्राइवर को देखेगा तो कहेगा कि मैं तो रेस्ट पे हूं, ठीक, लेकिन अगर वो ग्राउंड को देखेगा जो कि एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा था, तो कहेगा कि उसके रेस्पेक्ट में तो मैं आगे मूव कर रहा हूं, ठीक है, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। तो डिस्टेंस
डिपेंड करेगा ना ऑब्जर्वर पे, हर एक ऑब्जर्वर के लिए डिस्टेंस अलग अलग होगी। बगल वाले के रेस्पेक्ट में उसको लगेगा कि मैं जीरो डिस्टेंस मूव किया क्योंकि मैं तो उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे था, लेकिन जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर खड़ा था उसके रेस्पेक्ट में कहेगा कि मैं 50 मीटर या 100 मीटर मूव कर गया। ठीक, तो डिस्टेंस क्या है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है। अगर डिस्टेंस ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा, हर एक ऑब्जर्वर के लिए डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। ठीक, अगर डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है तो स्पीड भी डिपेंड करेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है तो वेलोसिटी भी डिपेंड करेगी ऑब्जर्वर पे। ठीक, अगर वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है तो एक्सीलरेशन भी डिपेंड करेगा, अगर ये सब चीजें डिपेंड कर रही हैं तो वर्क डन भी डिपेंड करेगा, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है तो वर्क डन भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक, मैंने देखा कि यहाँ पे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मैं अलग अलग लूं तो ये सभी पैरामीटर चेंज हो जाने, तो मेरे लिए तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। ठीक, तो ऐसी क्या खासियत थी रिलेटिव मोशन में कि मैं इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहा हूं या इस कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल को सॉल्व करता हूं, वो है ये, इसके कारण मैं रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। ऐसे कौन कौन से पैरामीटर हैं जो कि रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक, पहला फोर्स। ठीक है, कैसे, जैसे कि मैंने कहा कि कोई एक ब्लॉक है, इस पे आपने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, तो जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है वो तो सिंपल इस फोर्स को देखेगा, बोलेगा कि 100 न्यूटन का फोर्स है। और एक ऑब्जर्वर जो कि मूविंग कार में है, ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसमें जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ वो भी कहेगा कि हाँ 100 न्यूटन का फोर्स है, वैल्यू चेंज नहीं हुई इसकी। या कुछ और अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि तो यहाँ पे कई लोग, यहाँ एग्जांपल लेता हूँ, कई लोग कहते हैं सर स्यूडो फोर्स तो आ जाता है यहाँ पे, बेटा वो अलग कॉन्सेप्ट है, स्यूडो फोर्स एक नया फोर्स इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन इस फोर्स पे कोई ना कोई फर्क पड़ रहा है, ये फोर्स तो 100 न्यूटन ही रहता। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लें, आपने वो स्प्रिंग बैलेंस वाला देखा होगा कि जो सिलेंडर वगैरह घर पे लेकर आते हैं वो मेजर करने के लिए कि स्प्रिंग बैलेंस लेकर आते हैं, उसको वो हुक करते हैं, दिखाते हैं कि हाँ ये देखो 14 केजी है वेट, है ना। तो मैंने कहा कि आपने इसको ऐसे उठाया और ये देखा कि 14 केजी है। ठीक, तो आप ऑब्जर्वर हैं, आपने कहा कि 14 केजी है, मैं लिफ्ट में हूं, मैं लिफ्ट में इसको ऐसे हैंग करके रखा हूं। ठीक है, और लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है। ठीक, जो ग्राउंड पे खड़ा है वो भी तो इस रीडिंग को देखेगा ना, वो तो रीडिंग, उससे पूछा गया कितनी रीडिंग आ रही है, उसके पास टेलीस्कोप था, उसने इसको रीडिंग को देखा, अब बोला 14 केजी है रीडिंग तो। और जो बंदा लिफ्ट में खड़ा था उसने भी इसी रीडिंग को देखा, बोला 14 केजी है, बोले 14 न्यूटन है, मैं फोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो ग्राउंड पे खड़ा है और जो लिफ्ट में खड़ा है, दोनों के लिए तो ये 14 न्यूटन ही है ना, स्प्रिंग तो उतनी रीडिंग दे रहा है ना, स्प्रिंग की रीडिंग थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। नहीं आ रहा समझ में, तो स्प्रिंग की रीडिंग यहाँ पे चेंज नहीं हो रही, चाहे कोई सा भी ऑब्जर्वर हो, स्प्रिंग उतनी ही रीडिंग दिखाएगा, भले आप लोग अर्थ के बाहर जाके इस रीडिंग को देखें तब भी आपको उतनी ही रीडिंग नजर आएगी, रीडिंग चेंज नहीं होने वाली है। इसलिए फोर्स क्या होता है आपका, इंडिपेंडेंट, ये रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, अभी हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे जब मैं स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। स्यूडो फोर्स एक अलग है, वो न्यूटन सेकेंड लॉ को अप्लाई करने के लिए स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट निकाला गया था, ये तो न्यूटन सेकेंड लॉ कई जगह अप्लाई नहीं हो पा रहा था। ठीक है, उसको अप्लाई करने के लिए एक मैनिपुलेट किया गया, मैनिपुलेशन की गई न्यूटन सेकंड लॉ में, अब उसी मैनिपुलेशन को हम लोग कहते हैं स्यूडो फोर्स। ठीक है, जो कि दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, स्यूडो का मतलब ये होता है इमेजिनरी फोर्स। ठीक, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। दूसरा टाइम, टाइम आपका इंडिपेंडेंट होता है रेफरेंस फ्रेम। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं,
चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने कहा कि एक ट्रेन है, ये इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, ठीक, और एक ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड पे खड़ा है रेस्ट पोजीशन पे, ठीक, एक ऑब्जर्वर जो कि ट्रेन में बैठा हुआ है, और एक बंदा है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसको ये मान लेते हैं। इस बंदे को इंजन तक भाग के जाना है, ठीक है, तो ये भागते हुए गया यहां से यहां तक, तो ये जो ऑब्जर्वर बी था इससे जब पूछा कि ए को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो इसने तो सिंपल घड़ी देखी ना, जब यहां से इसने भागना स्टार्ट किया तो इसने स्टॉप वॉच ऑन कर दी, ठीक, और ये जैसे ही यहां तक पहुंचा तो इसने कहा कि सर इसको तो 2 मिनट लगे यहां से यहां तक भाग के पहुंचने में, ठीक है। जो ग्राउंड पे खड़ा वो भी यही देख रहा है, वो तो सिंपल ए को दिखेगा ना कि ए यहां से यहां तक कितनी देर में पहुंच रहा है, तो ये भी क्या कहेगा कि सर इसको यहां से यहां तक पहुंचने में 2 मिनट का टाइम लगे, ये थोड़ी ना कि ये अलग देखेगा ये अलग देखेगा, देख तो रहे दोनों एक ही को है, और इसको कहां पहुंचना है, इंजन तक पहुंचना है भागकर, ठीक, तो इसके रेस्पेक्ट में या इसके रेस्पेक्ट में दोनों के रेस्पेक्ट में ये सेम टाइम पे यहां पे पहुंचता है 2 मिनट में, वो टाइम नहीं चेंज हो रहा, ठीक। तो हमने क्या देखा यहां पे, अगर मैं ऑब्जर्वर को चेंज करूं मतलब कि रेफरेंस फ्रेम को चेंज करूं तो टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग एनालिसिस करें टाइम पे कोई भी चेंज नहीं आने वाला, ठीक। तीसरा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती, जैसे दो कार मूव कर रहे हैं, ठीक, दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने कही इस समय कितनी डिस्टेंस है दोनों के बीच की, 50 मीटर, ठीक है, तो जो ड्राइवर है जो पीछे वाला ड्राइवर है उससे जब मैंने पूछा कि हाँ आप दोनों कार के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो इसने क्या कहा, सर 50 मीटर है, ठीक। एक ग्राउंड पे बंदा खड़ा था, मैंने उससे पूछा कि दोनों कार के बीच की डिस्टेंस कितनी है, उसने सिंपल मेजर किया बोला 50 मीटर, तो ये तो दो पॉइंट्स हो गया ना, तो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम। इस दो कॉन्सेप्ट के कारण हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि रिलेटिव मोशन सिर्फ और सिर्फ इसी के कारण आया कि टाइम और डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम, ये रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। अगर हम लोग लॉजिकली सिंपल जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उस तरीके से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते तो वो काफी लेंथी जा रहा था, लेकिन जब हमने उसको रिलेटिव मोशन से सॉल्व किया तो वो एक या दो लाइन में सॉल्यूशन दे रहा। रिलेटिव मोशन क्वेश्चन को इजी करता है, रिलेटिव मोशन क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि एक मेथड है, रिलेटिव मोशन का एक मेथड है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इससे पहले जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जिस मेथड से कर रहे थे वो मेथड तुमने सीख लिया, लेकिन रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हमारी एनालिसिस और अच्छी हो जाए और आसान हो जाए, ये नहीं ये क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा रिलेटिव मोशन, ये क्वेश्चन को इजी बना रहा। अब आया समझ में, अब जो कहानी बताई है या कॉन्सेप्ट बताया उसको थोड़ा सा लिख लीजिए दो चार लाइन, ताकि अब भविष्य में अगर आपसे कोई भी पूछे कि हाँ रिलेटिव मोशन क्यों पढ़ा तो क्यों का पता होना चाहिए, क्यों पढ़ा हमने, ये नहीं कि रिलेटिव मोशन आता है मेरे को आता नहीं है।
आर्यन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखिए, सिर्फ ये पॉइंट नोट मत कीजिए क्यों और कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है। नोट कर लिया? ठीक है, तो कल हम लोग तीन इलस्ट्रेशन लूंगा मैं, क्योंकि अब क्वेश्चन उठता है कि हम लोग कई सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे, मैं जानता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन कल मैं एक्चुअल बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया। जहां तक मेरे को उम्मीद है कि क्यों का रीजन नहीं पता हो, कि कर तो दिया आंसर आप ही किया मेरा, ठीक है, मैच भी कर गया, बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन ऐसा किया क्यों इसके बारे में सोचा नहीं, बस ये पता था कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कल मैं सिर्फ तीन एग्जांपल लूंगा और तीन एग्जांपल में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना, सिर्फ तीन एग्जांपल, ठीक है। तो तीन एग्जांपल में मैक्सिमम हाफ एन आवर लगेगा, हमारा ये चैप्टर क्लोज करूंगा और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डाउट, ठीक है, असाइनमेंट डिस्कशन। तो कल का टाइम भी दे रहा हूँ, अगर डाउट ज्यादा होंगे तो परसों भी एक टाइम ले लूंगा, ठीक है, नहीं तो कोशिश यही रहेगी कल ही हम लोग इसको बाइंड अप कर, इसलिए आप लोग प्लीज सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए या मैक्सिमम जितने क्वेश्चन कल तक कर सकते हैं क्लास से पहले पहले, ठीक है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास होगी आपकी, ठीक है, टाइम आपका जो सिलेबस है उसी हिसाब से चलेगा, मैं सिलेबस बिल्कुल टाइमली फिनिश भी कर दूंगा, एक्स्ट्रा क्लास में खुद ही देख लूंगा कि एक्स्ट्रा की रिक्वायरमेंट हो रही है, जो भी मैंने टारगेट बनाया हुआ है, तो सैटरडे संडे दो दिन का टाइम है, दो दिन और ले लूंगा एक्स्ट्रा, लेकिन स्पीड वैसे ही रखूंगा, जहां पे कॉन्सेप्चुअल पार्ट आएगा उसमें मैं धीरे धीरे चलूंगा, तो रिलेटिव मोशन एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, कि अगर रिलेटिव मोशन इन स्ट्रेट लाइन समझ में आ गया तो टू डायमेंशन वाला तो और आसान है, अगर ये समझ में आ गया तो, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ दो तीन चैप्टर में ज्यादा टाइम लेने वाले हैं, एक रिलेटिव मोशन हाफ एन आवर में कल हो जाएगा, और उसके बाद जब हम लोग एनएलएम पढ़ेंगे और एनएलएम में फ्रिक्शन वाला पार्ट उसमें टाइम ज्यादा लूंगा, और उसके बाद जब रोटेशन पढ़ेंगे रोटेशन में ज्यादा टाइम, इलेवेंथ में ये दो चैप्टर में थोड़े से ज्यादा टाइम लूंगा ताकि चीजें क्लियर हो, और उसके बाद तो दो दो दिन में एक एक चैप्टर खत्म करवाऊंगा, किसी किसी में तो शायद एक ही दिन में चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक। इसलिए आप लोग कीजिए क्वेश्चन जितने मैक्सिमम हो सकते हैं, और कल हम लोग इसी के आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है, और प्रिंट आउट निकालिए, थोड़ी आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है, और आप लोग भी प्रिंट आउट निकाल दीजिए, ठीक, चलिए, ओके, बाय बाय।